करना, और याद रखना सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से होते हैं। बच्चों के लिए एक ए स्टार बैच अलग से बनाया जाएगा। अब ये ए स्टार बैच क्या है, किन बच्चों के लिए है और क्या सभी आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा यहाँ पर कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आरंभ बैच में, वो सारे ए स्टार बैच में जाए। ए स्टार बैच में जो बढ़िया बच्चे, जो लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए अलग से बैच बनाया जाएगा। तो क्या इसकी क्लासेस अलग चलेगी? नहीं, इसकी क्लासेस तो रेगुलर क्लासेस जो चल रही उसी में चलती रहेगी। बस इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशंस वगैरह लगाए जाएंगे। तो सर हम नहीं अटेंड कर सकते क्या? हाँ, ये सब अटेंड करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये बात है कि आप लोग बेस्ट कर दिखाए अपना, आप लोग अपना ये दिखाए, मेहनत करके दिखाए कि नहीं सर आप लोग जितनी मेहनत करने को तैयार हो, आप लोग अगर 12-12 घंटे क्लास ले रहे थे तो हम भी 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को पहले ये दिखाना होगा। तो ये कैसे दिखाओगे? बढ़िया तरीके से क्लासेस अटेंड करके, रेगुलरली सारी क्लासेस अटेंड करके, टेस्ट रेगुलरली देके, होमवर्क पूरा करके, और इसमें होमवर्क के सारे सवाल और टेस्ट के मैक्सिमम सवाल सही करके। तो अगर आप लोग ये मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप ऑटोमेटिकली ए स्टार बैच में आ जाओगे, है ना। और याद रखना सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से होते हैं। अच्छा, अगर इन केस आप उस बैच में नहीं आ पाए तो क्या होगा? तो आप लोगों को, है ना, नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे कि भैया आप अपना होमवर्क ढंग से करो, आप टेस्ट ढंग से दो। अगर आप उन चीजों पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ेंगे और आप वहां तक पहुंच जाओगे। और अगर किसी ने पहली बार अच्छा कर दिया लेकिन दूसरी बार अच्छा नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा उस बैच से, और जो दूसरा बच्चा अच्छा कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा।